उनके ऊपर हमला हो जा रहा है, कई जगह लोग घायल भी हुए, पुलिसकर्मी अधिकारी, उनके लिए क्या कार्रवाई है? हाँ ना, ये सही बात है, कई जगह हुआ है, ये सही बात है, ये अज्ञानता में हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ है, कम्युनिकेशन गैप के चलते हुआ है। मैं आपके माध्यम से जनता तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे सिपाही से लेकर के ऊपर के पदाधिकारी जितने हैं वो आपके लिए लड़ रहे हैं ना कोरोना से, अपने जान को हथेली पर रख करके और रात दिन बाहर खड़े हैं धूप में सुबह से शाम तक, उनको कौन सुरक्षा है? और वो लड़ रहे हैं, वो आपको समझाने जा रहे हैं तो आप उन पर हमला कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, उनको हम जेल में सड़ा देंगे, उनका हम जान छोड़ेंगे नहीं। कल औरंगाबाद में हुआ था, अब जाइए देखिए, 25 लोग जेल गए, उन पर 307 की धारा भी लगी है, गुंडा रजिस्टर में नाम भी दर्ज होगा। तो ऐसा करना बहुत ही अफसोसजनक, लेकिन तब है कि 12 करोड़ की आबादी है, 99% यहाँ की जो जनता है उसका प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है, उसी के भरोसे हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 1% तो समाज में ऐसे लोग होते हैं जो नासमझी के कारण या उदंडता किसी भी स्थिति में किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर या सेवा में जुटा हुआ कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस या मजिस्ट्रेट के साथ कोई भी इस तरह का काम करेगा उसके साथ बहुत ही कठोरता से पेश आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे उनकी जितनी पैरवी, चाहे किसी जात के हों, किसी मजहब के हों, किसी दल के हों, कोई भेद नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये मैंने स्पष्ट कर दिया है, कल के एक्शन से स्पष्ट हो गया होगा सब, जहाँ जहाँ हमले हुए वहाँ ठोस FIR करके गिरफ्तारी हुई, जो फिरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी, चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे और गुंडा पंजी में उनका नाम भी अंकित करेंगे, हमेशा के लिए दागी हो गए वो, समझदारी से काम लीजिए, हाथ जोड़ते बिहार की जनता से हाथ जोड़ते हैं, समझदारी से काम लीजिए, जो आपकी सेवा में जुटे हुए उन्हीं पर पत्थर आप चलाएंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब लॉकडाउन हो गया, नेशनल लॉकडाउन हो गया, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये लॉकडाउन हो गया, तो किसी को आना जाना नहीं चाहिए, लेकिन आ गए, उनकी स्क्रीनिंग हो गई, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन हमारे मुख्य सचिव ने वहाँ के मुख्य सचिव से बात की है, अब वहाँ से नहीं आएंगे। आंध्रा में भी सर कुछ वो अखबार में पढ़ा था, मीडिया में भी देखा था, कुछ बच्चे फंसे हुए हैं जिन्होंने माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार भी लगाई थी कि हमको बुलवा लीजिए। तो ऐसे हजारों नहीं लाखों में लोग फंसे हुए, पूरा देश फंसा हुआ है लॉकडाउन में, तो सब लोग अपने घर में थोड़े हैं, बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग फंसे हुए हैं, बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहार में फंसे हुए हैं, हर राज्य के लोग एक दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। तो लॉकडाउन का मतलब क्या है? मैं अपील करूंगा कि जहां भी रहें वहीं रहें, धीरज से काम लें, संयम से काम लें, अनुशासन से काम लें, और बिहार के भी जो हमारे भाई दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, आप अपने वहां की सरकार का सहयोग करें, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न करें। वो अलग केस है, उसका एक SOP है, उसका एक ड्रिल है, वो फिक्स ड्रिल है कि जहाँ भी हमको कोई मरीज मिल जाएगा तो उस एरिया को, उस सर्टेन लोकेलिटी को, उसके 300 मीटर के 3 किलोमीटर के आसपास के एरिया को हमको पूरी तरह से सील करना, वो सेट ड्रिल है, वो हर जगह हो रहा है और जहाँ भी कोई मिलेगा वहाँ होगा, घर घर स्क्रीनिंग होगी, जाँच होगी, ये पूरी कार्रवाई यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। सर ये की जा रही है सर, और करोड़ों रुपए, 5 करोड़ से ज्यादा का फाइन वसूला जा चुका है, लेकिन फिर भी लगता है क्या लोग समझने को तैयार नहीं? नहीं, समझने को तैयार हैं। गाड़ियाँ, 36,000 गाड़ियों पर एक्शन हुआ है, 10,000 से अधिक गाड़ियों को हम लोगों ने जब्त किया है और 4 करोड़ से अधिक, अब तो 5 करोड़ ये संख्या पहुँचने वाली, हम लोगों ने फाइन किया है। और उसके बाद भी हम लोगों ने कहा मोटरसाइकिल पर एक आदमी चलो, वो भी पास लेकर के चलो, बिल्कुल ज़रूरी हो तब चलो, वो भी कहाँ से कहाँ जाना है डेस्टिनेशन उसका पास ले लो, मोटरसाइकिल पर अगर मस्ती करने के लिए, मटरगस्ती करने के लिए चलेंगे, मैं तो कहता हूँ 2 आदमी अगर मोटरसाइकिल पर जा रहा है
तो बहुत सख्त से उसको देखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। Thank you.